प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, सीधे आपको कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। लोग सोशल मीडिया पर तो चर्चा करते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। ये स्थिति भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में निरंतर बदलती रहनी चाहिए और निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। क्या आज आजादी के इस 75वें वर्ष में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो पन्ना प्रमुख है, हम जो बूथ समिति के अध्यक्ष हैं, हम तय करेंगे हमारे बूथ में, मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम है, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, राज्य का होगा, पंचायत का होगा या देश का होगा, मैं ये तय करूंगा हां 75% वोट मेरे पन्ना प्रमुख के नाते, मेरी जहां जिम्मेवारी है वहां हो, बूथ समिति के अध्यक्ष के नाते जहां बूथ हो वहां हो, और जहां भी मेरी जो भी जिम्मेवारी हो ये हमने करना चाहिए। मुझे आज के युवाओं का उत्साह देखकर उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे युवाओं ने शाही लगी उंगली की सेल्फी को कूल फैक्टर बना दिया है, ये फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए मतदान सबसे पवित्र दान है। साथियों, बीते समय में चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। पहले नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता था, अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 बार मौका मिलता है। चुनाव आयोग ने 80 साल के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर पर जाकर मतदान की भी व्यवस्था की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।